हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग आज निकले हैं देवघर के लिए, और अभी गिरिडीह होकर के हम लोग देवघर जा रहे हैं, और एक जैन मंदिर है यहाँ पे। जैन मंदिर में हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, यहाँ पे इस जगह पे। और यहाँ से अभी हम लोग जैन मंदिर घूमेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारा रील बना है इस गाड़ियों में। मैडम का रील अगर आपको देखना तो इंस्टाग्राम पे अभी अपलोड कर रही हूँ। हाँ, जस्ट अभी अपलोड हो रहा है मोबाइल पे। तो चाय बनाया यहाँ पे, चाय पी हम लोग, बहुत अच्छा लगा चाय यहाँ का। और अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैन मंदिर है, ये गेट है उसका, जैन मंदिर, और साइड में नदी भी है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे नदी कौन सा है, चल के अंदर पता करेंगे। बेटा नहीं दिख रहा है, चलिए हम लोग अब चलते हैं अंदर जैन मंदिर, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो ये जैन मंदिर का एंट्री है, और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। वो लोग पहले ही जा चुकी है, तन्नू और ये लोग सब। गाइस सॉरी, मंदिर का जो टाइमिंग है ना वो क्लोज हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब देवघर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देवघर ही जाएंगे डायरेक्ट, चले। तो भाई अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं, वो जगह मंदिर में क्या हुआ ना, वहाँ पे मतलब रास्ता नहीं था, बहुत मतलब ख़राब रास्ता था, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए हम लोग। तो अभी हम लोग आए हैं खंडोली करके कोई जगह है, यहाँ पे खंडोली है ना, खंडोली डैम के पास हम लोग आए हैं, और ये टूरिस्ट प्लेस है एक तरीके से। चलो, सारे बच्चे लोग यहाँ एकदम जो है एंजॉय कर रहे हैं। कैसा टाइम में निकले हैं आप ही सोचिए ना। सोचिए खुला आँख से ना, जितना नहीं दिख रहा देखिए, इससे पूरा दिख रहा है, ये देखिए दिख रहे हैं। गाइस मैं अभी अपने आँख से जो है मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पूरा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन इस मोबाइल की क्वालिटी देखिए कि कितना अच्छा सब कुछ व्यू आप लोगों को रात में भी दिख रहा है। तो ये इसके आपको नहीं दिख रहा, बोले इस फोन में सब कुछ दिख रहा है, देखिए देखिए हम लोगों को भी दिख रहा है, हम लोग कमजोर नहीं है। अच्छा, आप लोग फ्यूचर लेंस लगा के हैं, नहीं भविष्य दिख रहा है हम लोगों को। देखिए प्रदीप जी, आपको जो है खुला आंख से दिख रहा है, पूरा अंधेरा दिख रहा है ना, इसमें देखिए इसमें पूरा लाइट आ रहा है, दूर दूर तक दिख रहा है पूरा। अच्छा ये वाला खेल में आपको चलिए इतना करना पड़ेगा।
ये भी मेरा काम ही है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी नहीं चिप्स खा लो। ऐसे मत करो। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा कमरा। थक गए ड्राइव कर करके। कहाँ है बालकनी? तो कवर्ड है। इधर है वॉशरूम। इधर हूँ मैं। तो अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे मार्केट घूमने के लिए और डिनर भी बाहर से निशात करके आए, देखते हैं। तो आप लोग कौन सा लीजिए? कुछ है? कौन सा लीजिए? मैं बेल्जियम। नहीं नहीं, आप कौन सा लीजिए? क्यों लीजिए ना? नाम क्या है बेटा? इसलिए हम ले लेंगे। पूरा होलसेल मार्केट। भागलपुर में भी ऐसा ही कर लीजिए। हाँ? भागलपुर में भी हम लोग का जो मेरे मौसा का दुकान है, ऐसा ही पूरा कंजेस्टेड कर लीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मंदिर गए थे, बाहर से ही दर्शन किए, मतलब बस मंदिर दूर से ही देखे, अभी अंदर नहीं गए थे। कल सुबह जाएंगे और उसके बाद डिनर करने के बाद अभी हम लोग होटल में आ गए हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ अंधेरा। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब होटल अपने अपने रूम में और बस अब सोना है और सुबह जल्दी उठना है, जिससे कि सुबह अच्छे से दर्शन हो जाए हम लोगों को। वैसे लेट भी उठेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगा।
हमारी तो कोशिश रही कि हम लोग फटाफट जल्दी सुबह उठ के नहा धोवा के रेडी हो जाए, लेकिन देखते हैं। तो चलिए और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे कल।